बीएससी पार्ट वन पेपर थ्री हम अंड ऊ जेनेसिस की प्रक्रिया देख रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एंड्रोजन्स जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल को, प्राइमरी ओसाइट के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, लेट सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है। इन सभी प्रावस्थाओं में जो प्रोफेज है मियोसिस की फर्स्ट की, वो अरेस्टेड रहती है। ये खाली अपनी वृद्धि का कार्य करता है, ग्रोथ का काम करता है। और फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन वन कंप्लीट होकर अर्धसूत्री विभाजन टू में एंट्री से पहले ये बनती है सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट वो अवस्था है जिसमें ओव्यूलेशन होता है और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में जो अंडा है वो ग्रोथ फेज से निकलता है और मैच्योरेशन फेज की तरफ बढ़ता है। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने देखा कि जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में, शुक्राणु भवन में भी तीन प्रावस्थाएं होती हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, वृद्धि का गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। उस तरह से हमने यहाँ देखा है, ये इसकी गुणन प्रावस्था है जिसमें ऊगोनिया का निर्माण होता है, जो कि फीटस जब होता है, भ्रूण होता है, तभी से प्रारंभ हो जाती है गुणन की प्रावस्था। और वो प्राइमरी जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम से प्राइमरी ऊगोनियम तक बनता है वो। और फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होकर प्राइमरी ओसाइट बनता है, अर्धसूत्री विभाजन वन पर ही वो, अर्ध प्रोफेज पर ही वो अरेस्ट हो जाता है। तो सेकेंड फेज जो है मल्टीप्लीकेशन फेज से वो गुजर आता है ग्रोथ फेज में, और ग्रोथ फेज जो है सेकेंड वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और इसके अंदर उस ओसाइट की जो प्राइमरी ओसाइट है उसकी ट्रिमेंडस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वृद्धि देखी जाती है, जिसमें उसके दो प्रावस्थाएं होती हैं। तो प्री वाइटलोजेनेसिस, पूर्व पीतकी वृद्धि प्रावस्था, और एक होती है विटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, यानी कि पीतक भवन वृद्धि प्रावस्था। सो प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड होता है जिसके अंदर की योग का निर्माण नहीं होता, फूड का एक्यूमुलेशन नहीं होता। जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव है ओसाइट्स की, प्राइमरी ओसाइट की, उनमें वृद्धि होती है, वो बढ़ते जाते हैं, उनके चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं इकट्ठी होती जाती है। और जो प्राइमरी ओसाइट है उसके अंदर वृद्धि देखी जाती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो संख्या में वृद्धि करते हैं, अंतःप्रदीप्त जाली का राइबोसोम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जो गोल्जी कोशिकाएं हैं वो कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करने प्रारंभ करती हैं। तो ये सब कुछ ग्रोथ का ही कार्य वहाँ पे होता है। जैसे ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस, केंद्र के पदार्थों में वृद्धि हम देखें तो उसमें जो न्यूक्लियर सैप है, जो केंद्रक द्रव है, उसमें बढ़ता है, वृद्धि होती है, केंद्रक अपने आकार में बढ़ जाता है। और उसके अंदर न्यूक्लियस के पास में एक बड़ी काली सी संरचना जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में अपियर होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ बल्बियानी। और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि ये न्यूक्लियस और केंद्रक अब जर्माइनल वेसाइकल कहलाता है। एंड जो ये न्यूक्लियस है ओसाइट का, वो प्रोफेस मियोटिक की प्रोफेस में एंटर कर जाता है। उसके अंदर संजात गुणसूत्रों में साइनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बाद में जो भी स्टेजेस हैं मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन की, वो पोस्टपोन रहती है, और उसमें डीएनए जो है वो तब नहीं बढ़ता। क्रोमोसोम वो है बढ़ जाता है, जैसे एम्फीबियन अंडे के अंदर अंदर हम देखें तो क्रोमोसोम जो है वो लैम्प ब्रश के जैसे हो जाता है, जो बीच में एक अक्ष बनता है और दोनों तरफ फिर उसके अंदर ब्रश की जैसे संरचना बढ़ जाती है, इसको हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन कंट्रोल्ड रहता है। सारे ही मैसेंजर आरएनए जो है वो यूज़ में नहीं आते हैं, वो आगे भविष्य में भी, भविष्य के लिए रख लिए जाते हैं, जिस समय डीएनए अपना खुद रेप्लिकेशन कर रहा होता है उस समय आरएनए इसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, ये सब कुछ मैसेंजर आरएनए करता है। तब तक वो एक प्रोटीन के आवरण में रैप्ड रहता है, इनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम्स। न्यूक्लियोलस जो होता है वो जो मैचुरेशन ऑफ आरएनए के में काम में आता है, वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है, अपने साइज में बड़ा हो जाता है, कैविटी उसकी बड़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। तो हमने देखा केंद्र के पदार्थ जो हैं वो एबनॉर्मल रूप से वृद्धि करते हैं, डीएनए आरएनए में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन योग का निर्माण नहीं होता। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, कोशिका द्रवीय पदार्थों में वृद्धि, कोशिका द्रव जो है वो
क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में ही उनकी उसकी वृद्धि होती है। जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन और डीएनए में वृद्धि होता है हो जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बहुत वृद्धि होती है, वो जो न्यूक्लियर डीएनए है उसकी साइज उससे भी एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है साइज बढ़ने से। तो ऑक्सीजन के कंजम्पशन के बढ़ने के साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी इंक्रीज होती है, और बर्ड्स में और एम्फीबियंस में तो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बना लेते हैं। जो यंग साइट होता है उसके अंदर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो कि न्यूमरस छोटे छोटे कण वेसिकल्स के रूप में पुटिकाओं के रूप में होती है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पट्टिलिकाओं की तरह एक पैरेलल एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती हैं, स्पायरल अरेंज रहती हैं। उस तरह से जो गोल्जी का है वो भी सेंट्रोसोम के अपने तरफ पाए जाते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो साइट के अंदर है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं, कॉर्टिकल कणिकाएँ जो है वो उनका निर्माण उसमें होता है। तो अभी हमने देखा कि ये इस तरह से जो ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज यहाँ पर जो ग्रोथ फेज है उसमें ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसमें देखिए धीरे 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 वृद्धि होने लगती है, यहाँ तक वो वृद्धि कर रहा होता है, और इस वृद्धि के दौरान उसका जो केंद्रक है कॉन्स्पिक्यूस केंद्रक पड़ता जाता है, और ये सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो जाते हैं। देखिए आप ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी जो फॉलिकल है ये अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल और ये लेट सेकेंडरी फॉलिकल है। यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक उसका निर्माण जो है वो पूरा निर्माण मियोटिक वन कंप्लीट करता है, तब यहाँ तक वो पहुँचता है, और उसी में हमने देखा कि पूरी वृद्धि ही सिर्फ होती है, वृद्धि होती रहती है, और इसी वृद्धि में हमने इसमें प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य पदार्थ जो है उनमें वृद्धि होती है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स देखे जाते हैं, और सभी कोशिकांग जो हैं वो वृद्धि करते रहते हैं। जो अगला टॉपिक है वो होगा पीतक भवन या वाइटलोजेनेसिस।